हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपनी पड़ोसन चंपा के घर जाती है और चंपा को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ चंपा, कहाँ है, बाहर आ। जब से तूने पैसे लिए हैं तब से तेरी शक्ल दिखती ही नहीं है मोहल्ले में। जल्दी से बाहर आ, वरना मैं भी कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। जानकी की आवाज़ सुनकर चंपा अपनी कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ जानकी बहन, इतनी आवाज़ क्यों लगा रही हो, सब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होगा, मेरे सारे पैसे तो तू खा गई। अरे मैं कहती हूँ, कुछ याद है भी कि नहीं, मेरे पैसे देने का इरादा है या नहीं, इतना टाइम हो गया है पैसे लिए हुए। हाँ तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे चार पैसे लेकर मैं कोई अंबानी थोड़ी बन जाऊंगी। अरे अंबानी नहीं बन रही हो तो वापस ही कर दो, मुझे भी बार बार अपने पैसे के लिए तुम्हें ऐसे टोकना अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी तो पैसों की जरूरत है ना, बस अब तो दे दो मेरे पैसे। पैसे तो आज नहीं है, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपका पूरा हिसाब बराबर कर दूंगी। आज तक कभी तुमने ये बोला है चंपा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? जब भी पैसे मांगने आओ बस यही बोल देती हो कि पैसे नहीं है। तुम्हारी जरूरत के समय पे मैंने तब ऐसा नहीं बोला ना कि पैसे नहीं है। हाँ तो मैं भी कहाँ मना कर रही हूँ, वो तो बस कुछ दिन और रुक जाओ। क्यों, कुछ दिन में क्या तेरा कुबेर का खजाना मिल जाएगा या कोई लॉटरी लग जाएगी? अब ऐसा कुछ ही समझ लो। वो क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है, तो कुछ दिनों में सबका कर्जा भर दूंगी। क्या, 5 करोड़ की लॉटरी? हाँ हाँ 5 करोड़ की लॉटरी। मैंने तो एक पंडित जी को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि मेरी लॉटरी खुलेगी, अब कुछ दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगी। बस अब कुछ दिन तो रुक सकती हो ना जानकी बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब करोड़ों की बात है तो कोई बात नहीं। अच्छा चंपा बहन, तुम ना मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, हम पड़ोसी ही हैं और पड़ोसी ही तो एक दूसरे की मदद के समय में काम आते हैं। हाँ बिल्कुल जानकी बहन, लेकिन बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगी। ये भी कोई कहने की बात है, अब मैं तुम्हारी इतनी खास दोस्त हूँ तभी तो लॉटरी की बात तूने मुझे बताई। कोई नहीं, जब पैसे हो जाए तब दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। जानकी इतना बोलकर चंपा के घर से चली जाती है, लेकिन चंपा की 5 करोड़ की लॉटरी की बात जानकी के पेट में नहीं बचती और वो पूरे मोहल्ले में सबको बता देती है कि चंपा की लॉटरी लगने वाली है। इसीलिए मोहल्ले में सभी लोग चंपा से काफी ज्यादा इज्जत और तमीज से पेश आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चंपा अपने घर के पास के ही एक किराने वाले के पास जाती है और किराने वाले भैया से बोलती है, भैया 1 किलो चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। ये लो चंपा बहन, और कुछ भी चाहिए क्या आपको? नहीं बस इतना ही। अच्छा भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे बहन जी, अब तो आप करोड़पति बनने वाली हो, तो आपसे थोड़ा बहुत उधार पानी तो बनता है। आपको कैसे पता कि मैं करोड़पति बनने वाली हूँ, ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। बहन जी ये बात तो पूरे मोहल्ले में सबको पता चल चुकी है, और वैसे भी जब आपकी लॉटरी लग जाएगी तो अपनी दया दृष्टि थोड़ा हम गरीबों पर भी बनाए रखना बहन जी। अभी तो मेरी लॉटरी खुली भी नहीं है, तो भी लोग मुझे करोड़पति की तरह ही देख रहे हैं। जब लॉटरी खुल जाएगी और पैसे हाथ में आ जाएंगे, तब तो इस मोहल्ले में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो रहूंगी। चंपा सच में तेरी लॉटरी लग गई, लोगों में इज्जत पैसे सब है अब मेरे पास, अब बस लॉटरी के पैसे मिल जाएं जल्दी। चंपा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। लॉटरी जो अभी तक निकली भी नहीं थी, उसके चर्चे अभी से पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। चंपा कुछ दिनों बाद अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा अमित और बहू नीलम आते हैं। नीलम आते ही चंपा के पैर छूने लगती है और कहती है, माँ जी माफ करना, आपके बुढ़ापे में मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं नीलम की बातों में आ गए और आपको छोड़कर चले गए। माँ मुझसे गलती हो गई, आप अपने बेटे को माफ कर दो। माँ अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बल्कि अपने ही बच्चे कहते हैं, और तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो, जो भी हुआ सब भूल जाओ। माँ जी वैसे मैंने सुना है कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, क्या ये सच है? सच में आपकी लॉटरी लगने वाली है, वो भी 5 करोड़ की? हाँ ये सच है, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है,
यो माँ, आप इतने सारे पैसे का क्या करेंगी? एक काम करो, आप पैसे है ना वो मेरे को दे दो। वो क्या है ना माँ, मेरा काम ठप पड़ गया है और मेरे घर का किराया तक नहीं निकल रही है माँ। कितने मतलबी बच्चे हैं ये मेरे, यहाँ इन्हें इनकी गलती या माँ का प्यार नहीं बल्कि 5 करोड़ की लॉटरी खींच लाई है। अब भी कैसे झूठ बोल रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए आए हैं। माँ जी, कहाँ रखी है आपने लॉटरी की टिकट? लाओ मुझे दो। अब आपकी बहू मतलब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों का मैं ध्यान रखूंगी। नहीं बहू, तू अभी अभी आई है, इतना सब क्या ही करेगी। तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं यहीं रहती हूँ। मुझे आदत है आराम की, आदत लग जाएगी मुझे, परेशानी होगी बाद में। चंपा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लॉटरी के रिजल्ट का दिन आता है। चंपा अपने कमरे में कुंडी लगाकर अखबार में लॉटरी का नंबर मिला रही थी, लेकिन चंपा की लॉटरी नहीं निकली थी। ये देखकर चंपा को बहुत ज्यादा रोना आता है और वो रोती हुई कहती है, मेरी लॉटरी नहीं निकली, मुझे मेरा बेटा, बहू, आसपास के मोहल्ले वाले, किराने वाले सब लोग इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा। चंपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पूरे मोहल्ले में, चंपा के घर में सभी को पता था कि आज लॉटरी का रिजल्ट आना है। सब लोग चंपा के कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद चंपा रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और सबको बताती है, हाय राम, मेरे 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो, 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया? अरे उस 5 करोड़ की लॉटरी की टिकट के लिए तो ही हम यहाँ पे आए थे और वही चोरी हो गया। 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट तो चोरी हो गया, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कब दे रही हो? मुझे तो लगा कि तुम अब करोड़पति बनोगी, तो तुमसे रिश्ता अच्छा बनाए रखने में ही मेरी भलाई है, लेकिन तुम करोड़पति नहीं रोडपति बन गए हो, निकालो मेरे पैसे। अरे ओ चंपा काकी, मेरा भी उधारी का पूरा हिसाब करो, बहुत खाया है फ्री का, अब मेरी भी उधारी पूरी करो। ये माँ आपके हाथ में सोने की मुर्गी लगी थी और आपको समझ नहीं आया, अब ये बताओ टिकट कहाँ रखा था? मैंने अलमारी में ही रखा था लॉटरी का टिकट, और अब तो मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला मेरे 5 करोड़ रुपए का। अरे हमारे पैसे दे दो, हमें तो लगा कि 5 करोड़ एक साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वापस मेरा बेटा मेरे पास आया था, बेटा अब तू ही सबका कर्जा चुका दे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। चंपा सबके आगे रोने का नाटक करने लगती है कि उसका लॉटरी का टिकट चोरी हो गया है, और लोगों को उसकी बात पर यकीन भी हो जाता है। जो लोग चंपा के पैसों का फायदा उठाना चाहते थे, अब वही लोग उसे बिल थमा कर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।